नमस्कार। सो ये वीडियो वेरी फ्रेंडली मैं आपसे ज़्यादा अपने क्लाइंट्स के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि अब जब हाफ ऑफ आवर क्लाइंट्स आर सेटल्ड, लेकिन बाकी हाफ जो अपग्रेडेशन के बारे में बार बार पूछते रहते हैं और कई बार मैं वन टू वन सबको समझाता हूँ, तो मैंने कहा वीडियो बना दूँ आपके लिए भी और अपने क्लाइंट्स के लिए भी, आपको भी मदद मिल जाए। और मैं ये भी समझता हूँ कि एक बारे में समझना मुश्किल होता है, मेरे क्लाइंट्स अभी भी बार बार पूछते रहेंगे और आप में से भी काफ़ी लोग जो इस वीडियो को सुनेंगे उन्हें समझ में आधा आएगा आधा नहीं आएगा। यू विल नीड रेगुलर इनपुट्स हर राउंड के बाद कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो अपने काउंसलर से संपर्क करके रखिए, हमारी मदद चाहिए तो आप हमारा पेड काउंसलिंग पैकेज ले सकते हैं। तो पहले अब आप देखते, अब आपने जो भी लोग काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर रहे हो थोड़ा सा एक्टिवली कर रहे हैं, देखिए आप में से दो तरह के कस्टमर्स होते हैं, कई तरह के होते हैं। एक होते हैं जो काउंसलर पर छोड़ दिया, एजेंट पर छोड़ दिया, सीट दिला देना, और कुछ है जो चाहे हमसे जुड़े हुए हैं कि आपको पिछले ढाई महीने से इतने व्हाट्सएप आए हैं कि, और मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे तो क्लाइंट्स आधे काउंसलर बनी जाते हैं बाय द एंड ऑफ दिस टाइम, क्योंकि उनको सब कुछ क्लैरिटी से बताया जाता है। अब रिसेंटली आपने देख लिया कि MCC राउंड टू इस समय चल रहा है, जो कल चॉइस लॉक हो गई, परसों रिजल्ट आएगा। आपने ये भी देख लिया कि चूँकि MCC लेट हुआ, तो जिस भी स्टेट का रिजल्ट पहले आना पक्का था, चाहे वो बिहार था 16 तारीख को या बाकी रजिस्ट्रेशन थी, सब पोस्टपोन हो गई है। 9 से हम स्टार्ट करें तो हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, UP, राजस्थान सब पोस्टपोन हुए ना। एक गोल्डन रूल समझ लीजिए, MCC का रिजल्ट आने से पहले किसी स्टेट का आ ही नहीं सकता। तो MCC विच इज़ ऑल इंडिया काउंसलिंग, देन स्टेट राउंड वन, MCC राउंड टू, देन स्टेट राउंड टू, MCC राउंड तीन, देन स्टेट राउंड तीन, राइट। अब थोड़ी सी इस समय की डेट्स को देख के समझाने की कोशिश करता हूँ। अब MCC का रिजल्ट आ जाएगा 19 को, और ये सबसे ज़्यादा समय देते हैं, 27 तारीख तक का समय दिया ज्वाइन करने का। बाई चांस की बात है कि हरियाणा का रिजल्ट भी 23 को आ रहा है, तो आप लोग हरियाणा का रिजल्ट देख सकते हो बिफोर ज्वाइनिंग MCC, राइट। तो राउंड टू अच्छे क्लैश हो गए, डेट्स मैच हो गई, बट UP बहुत लेट हो रहा है। तो UP का रिजल्ट जब तक आएगा तब तक MCC की और हरियाणा की रिपोर्टिंग ख़त्म हो जाएगी, जो कि जनरली होता है। और अब शायद राउंड तीन में देखेंगे कि भाई ये बड़े बदमाश हैं या जो भी टाइमिंग है, स्टेट्स का रिजल्ट हमेशा MCC की ज्वाइनिंग के भी बाद आता है, जो UP में समय होने वाला है, आपकी समझदारी के लिए बता रहा हूँ। जब ये हरियाणा में डेट एटलीस्ट क्लैश कर गई, अब सिंपल अपग्रेड का रूल क्या है, 2022 के बाद मेजर चेंज हो। पहले तो ये समझ लीजिए, आप में से वो लोग जिनके अंकल, चाचा, ताऊ, फ्रेंड 2020 में 21 में 22 में एडमिशन कराया था, तब हम बोलते थे राउंड वन, राउंड टू, मॉप अप, ऑस्ट्रिया मॉप अप। मॉप अप का मतलब ये खा जाओ, राइट, दैट इज़ मॉप अप, समेट लो। स्ट्रे मॉप अप कुछ भी मिले समेट लो। मॉप अप शब्द को हटा के राउंड तीन लगाया गया 2003 में, और उस शब्द के बड़े सिग्निफिकेंस हैं कि क्यों हम 2022 तक 1-2 मॉप अप कहते थे, क्यों अब हम 1-2-3 कह रहे हैं, क्योंकि रूल सारे बदल गए। सो 2022 तक अगर आपके पास राउंड टू में कोई भी सीट है जो आपने ले ली, अलॉट करके ज्वाइन नहीं करवा पाता, लगे ले ली, फिर आप काउंसलिंग से बाहर, चाहे आप ऑल इंडिया की लेते चाहे स्टेट की लेते। तो ऑल इंडिया राउंड टू में ले लेते तो आप, और आपने ज्वाइन कर लिया, फिर आप स्टेट से बाहर हो, अनलेस एंटिल आपको ये डेट का फायदा हो जाए जो अभी MCC हरियाणा में हो रहा है। उसमें भी आप समझदारी ये दिखाते हैं, 2022 की बात करूँ कि आप MCC की सीट मिल गई राउंड टू में, हरियाणा का रिजल्ट आ गया, आप आखिरी दिन तक वेट कर रहे हो ज्वाइनिंग का, इतने में हरियाणा का रिजल्ट आ गया, आपको बेटर सीट हरियाणा में मिल गई, आपके बजट की लोकेशन जो भी आप चाहते हो, आपने MCC छोड़ दिया, वो 2 लाख रुपये डूबेंगे, पर आप हरियाणा ज्वाइन कर गए। तो ये होता था, और उसके बाद आप काउंसलिंग से बाहर। अब इसी को एक स्टेप आगे कर दिया गया है, और राउंड तीन तक अपग्रेड अलाउड है या सब कुछ अलाउड है। तो ऑल इंडिया में जो भी आपको राउंड टू में भी सीट मिलेगी, आप फर्दर अपग्रेड के लिए जा सकते हो। तो कोई पूछता है सर राउंड वन में मिली थी बट राउंड टू में अपग्रेड नहीं हुआ तो क्या होगा, तो भी भाई आप राउंड तीन के अपग्रेड के लिए जा सकते हो, और सेम रूल लागू रहेंगे कि राउंड तीन का रिजल्ट आने से पहले आप छोड़ सकते हो, या राउंड तीन में MCC में अपग्रेड हो गया फिर तो ठीक है, बट राउंड तीन में अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो जो आपकी सीट है वो तो आपकी फाइनल हो गई, और अब आप रिज़ाइन नहीं कर सकते। तो अब क्या रूल है, जो 2022 में दो तक था, थर्ड राउंड में अगर आपके हाथ में कोई सीट है अब आप उसे नहीं छोड़ सकते, या तो थर्ड राउंड के बाद रेजिग्नेशन अलाउड ही नहीं है। अगर आपने सीट पकड़ी हुई है, रिज़ाइन तभी तो करोगे जब सीट पकड़ी हुई है, अलॉटमेंट मिली थी और छोड़ दिया, आपने डिपॉजिट ख़राब कर दिया, तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई ना। तो जो कई बार मुझसे पूछते हैं, इस समय राउंड टू अब MCC ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सारे स्टेट्स पे देख लीजिए, जहाँ भी सीट मिल जाए राउंड टू MCC की सीट छोड़ाना, सारे स्टेट्स का रिजल्ट, अदर देन तेलंगाना जिसका अभी तक राउंड वन की चॉइस फिलिंग भी शुरू नहीं हुई है, आंध्र की भी आज ही हुई है,
तो इन दोनों का तो भगवान मालिक है, बट जो पर आई होप कि नाउ दे विल कैच अप फास्ट एटलीस्ट आंध्रा, और राउंड वन का रिजल्ट जल्दी निकालेगा। फिर तो अभी खैर वो बहुत पीछे चल रहा है, लेकिन अभी इन दो को एक्सेप्शन को छोड़ देते हैं तो एमसीसी का राउंड टू का रिजल्ट आया, सभी स्टेट्स का रिजल्ट एमसीसी राउंड तीन के स्टार्टिंग से भी पहले आ जाएगा। आपको बढ़िया सीट मिल गई, मन की सीट मिल गई, अब एमसीसी का कॉलेज छोड़ाओ, आपका डिपॉजिट कटेगा, बाकी पैसे भी वापसी, डॉक्यूमेंट भी वापस। अब आ गया एमसीसी राउंड तीन। अब अगर आपने एमसीसी राउंड तीन में अपग्रेड के लिए डाला था और अपग्रेड हो गया तो बल्कि फ्री हो गए, क्योंकि आपके हाथ में कोई सीट है ही नहीं और आप ज्वाइन मत करो, फिर आप स्टेट्स राउंड तीन में जा सकते हो। लेकिन अगर एमसीसी में अपग्रेड नहीं हुआ और आपका पास सेम कॉलेज है जो पहले चल रहा था, तो आपके पास एक फिक्स हो गया कॉलेज, अब आप स्टेट्स राउंड तीन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सिमिलरली अब एमसीसी छोड़ते हैं, आपके पास स्टेट राउंड टू में आपने एक जगह सीट पकड़ ली, हरियाणा में पकड़ी, राजस्थान आपका ड्रीम था, तो फिर आपको ये हरियाणा नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि राउंड तीन आया, अब हरियाणा में तो अपग्रेड हुआ ही नहीं, राजस्थान में आपको मिल गई जो आपको चाहिए थी सीट, लेकिन हरियाणा का जो राउंड तीन की सीट है, चूँकि आपकी वो फिक्स सीट है, अपग्रेड हुआ ही नहीं, अब आप उसको रिज़ाइन नहीं कर सकते। राउंड तीन के बाद कभी आपको रिज़ाइन का टाइम नहीं दिया जाता, और जो आपकी सीट है वो बल्कि पक्की ही मानी जाएगी, फाइनल मानी जाएगी, जो हरियाणा की चल रही है। क्योंकि हरियाणा कहती है ना कि अब मैं स्ट्रे में क्यों जाऊँ, भाई आपके पास सीट है तो मैंने किसी और को नहीं दी, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आपके हाथ में सीट है राउंड तीन में, तो फिर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते कहीं भी राउंड तीन में। तो अगर आपने राउंड टू में सीट, देखो एमसीसी का फ़ायदा ये है, सेम एमसीसी भी लागू है, तो एमसीसी में अगर राउंड तीन में आपके हाथ में सीट रह गई, फिर आपको स्टेट राउंड तीन नहीं दे सकते। स्टेट में भी आपने हरियाणा की राउंड टू पकड़ ली बैकअप के लिए, पर आपको जाना था राजस्थान राउंड तीन में जो लास्ट में आता है, तो वो बैकअप आप नहीं रह सकते, आपको हरियाणा छोड़ना पड़ेगा और आपको राउंड तीन में बैकअप बनाने पड़ेंगे कि चले राजस्थान के साथ साथ मैं दो तीन स्टेट और भर लेता हूँ। पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि हाथ में आपके सीट हो और आप राउंड तीन में पार्टिसिपेट करें। आई होप कि आपको बात समझ में, मैंने कोशिश की आपको आसान शब्दों में समझाने की, ताकि अगले एक सवा महीना आपकी लाइफ आसान रहे। अब तो काउंसलिंग अक्टूबर एंड तक चलने वाली है कम से कम, तो अभी डेढ़ महीना है, बहुत एक्शन अभी बाकी है, बहुत चीज़ें अभी बाकी हैं। जैसे मैंने हमेशा बोला, आधी से ज़्यादा सीटें अभी खाली हैं अक्रॉस इंडिया, सो यू स्टिल नीड टू फोकस, कॉन्सेंट्रेट, टेक प्रॉपर हेल्प, प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम योर काउंसलर्स। और जैसे मैंने कहा, क्योंकि हमारे काफ़ी क्लाइंट्स सेटल हो गए राउंड वन में ही, उनको ड्रीम कॉलेजेस मिल गए, किन्हीं को अब राउंड टू में मिल जाएंगे, तो वी हैव नाउ टाइम अगेन टू पिक अप फ्यू मोर क्लाइंट्स एंड टेक सम फ्यू फोन कॉल्स, ऑफ कोर्स एवरीथिंग पेड। और जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि अब 2500 ही कॉल लेना हमने बंद कर दिया है, मिनिमम कॉल 5000 की, और पैकेजेस फिर भी हमने सेम ही रखे हैं, 30, 50, 75 और 1.5 लाख, डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, या अगर आपको सलाह भी लेनी है तो पैकेज सेम रिमेन सेम, जितने भी स्टेट्स में आप जगल कर रहे हो उसके हिसाब से हमारी फ़ी रहती है। नंबर हमारा 9643362320, यही नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग अब राउंड टू स्टार्ट हुआ है, मतलब एमसीसी का रिजल्ट आएगा और फिर स्टेट्स के रिजल्ट आने शुरू होंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।